नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि देखी जा रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। अगर पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार कर गई है। ऐसे में कोरोना के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वह डराने वाले हैं। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कोरोना के मामलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि तो नहीं हो रही है। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों से बिहार में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना जताई जा रही है। बिहार में वर्तमान में कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 20 से 50 औसतन कोरोना मरीजों की पुष्टि हो पा रही है। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। बिहार सरकार की तरफ से होली मिलन समारोह पर भी रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य बड़े कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बिहार में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। यह इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि कोरोना संक्रमण को लेकर हम लोग सचेत हैं। बिहार में वैसी स्थिति नहीं है। राज्य में कोरोना के 20 से 48 तक पॉजिटिव मरीज रोज मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन रात 8 बजे तक कोरोना से संबंधित रिपोर्ट हमारे पास आती है और 9 बजे हम संबंधित अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिलहाल स्कूल कॉलेज को बंद करने की कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ यह कह दिया कि बिहार जो लोग आते हैं उन पर नज़र रखना जरूरी है। बिहार बाहर से आने वाले कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जल्द ही हम इस पर बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच की संख्या में फिर से वृद्धि की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए समय सीमा भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 70,000 कोरोना की जाँच की जाएगी। अधिक से अधिक जाँच RT-PCR से की जाएगी। इसको लेकर सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार 21 मार्च को सभी जिलों के DM के साथ बैठक करने वाले हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री सभी जिलों से में कोरोना संक्रमण के विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, तब जरूरत के मुताबिक कोई नया निर्देश जारी कर सकते हैं। इधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने DRCC में एक बार फिर कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया है, जहाँ 5 डॉक्टरों की शिफ्ट में तैनाती की गई है। जबकि रोस्टर बार अगर हम देखें तो 9 कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। कंट्रोल रूम में DM से कुछ और कर्मचारियों की तैनाती की भी मांग की गई है, जबकि रोस्टर बार 9 कर्मचारी तैनात रहेंगे। होली के मौके पर प्रवासी मजदूरों के बिहार आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेंगे। कोरोना वायरस के संबंधित प्रशासन द्वारा जारी किए गए उपायों के बारे में जानकारी ली जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके लिए 4 नंबर भी जारी किए गए हैं। इनमें से 3 लैंडलाइन नंबर है और एक टोल फ्री नंबर है। जो नंबर जारी किए गए हैं उनमें से 0612221909, उसके बाद दूसरा नंबर है 2219055, तीसरा नंबर जो जारी किया गया वह है 2249964। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जो है 1822345609। कोरोना वायरस से संक्रमित कोई मरीज है और उसे एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो वह कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क कर सकता है। इसके अलावा आइसोलेशन सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आप कंट्रोल रूम पर फ़ोन कर सकते हैं। यदि कोई कोरोना मरीज की मौत हो जाती है और उसे मॉर्चरी वैन उपलब्ध कराने के लिए भी आप जो है कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना का प्रकोप अधिक हो रहा है और वहाँ सैनिटाइजर भी कराया जा सकता है, इसके लिए भी आप जो है कंट्रोल रूम में फ़ोन कर सकते हैं। जांच केंद्र पर सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए भी आप कंट्रोल रूम पे फ़ोन करके इसकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बाद से अब बिहार में भी सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों की जाँच की जा रही है। इसमें कोविड के लक्षण मिलने पर उन्हें आइसोलेशन सेंटर भेजा जा रहा है। इसीलिए हमें कोरोना को लेकर एक बार फिर से जागरूक होने की जरूरत है, जिससे कि प्रदेश में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।